कुमारी भवन के दर्शन कर सकते हैं आप। जय माता दी। सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है आरएमडी कार्ड की लाइन, बातिंग घाट में नहाने के लिए जल, और यहाँ पर ही मजा आया। जय भवन के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी। दर्शन कर सकते हैं आप चरण पादुका मंदिर के। लेता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हिमकोटी मार्ग भवन की तरफ जाएगा, और इधर से आप हाथी मथा मार्ग की तरफ जाएंगे के दर्शन माता वैष्णो देवी भवन के, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। लाल पहुँच चुके हैं दोबारी भवन पर, अभी आपको आसान रास्ता पड़ेगा। जय माता दी, जय माता दी। आरती का टाइम हो चुका है, ये देखते हैं स्काई वॉल आपको दिखाई दे रहा है, टिकट आपको इधर से मिल जाएगा। ये दिखा दो, पहले पीछे था, अब यहाँ आ चुका है रूपे कोंटा। इधर आपको देख सकते हैं दुर्गा भवन इधर है। हिंदी जगत ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं किशन सिंह लेके आ चुका हूँ एक बार फिर से आपको माता वैष्णो देवी दर्शन के लिए। इस टाइम पर मैं खड़ा हूँ पटरा रेलवे स्टेशन पर, यहाँ से करेंगे अपनी जर्नी चालू और आपको भी दर्शन कराएंगे लाइव माता वैष्णो देवी के। और पीछे है मेरा बेटा हिमांशु, इधर हम तीन जने आए हैं और एक हमारे भाई वाले, ये भी हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। तो ऐसे ही यात्रा बने रहना, पूरी यात्रा करने वाला हूँ, कहाँ से आपको क्या चीज़ मिलने वाली है। उत्तर संपर्क क्रांति में आए हैं, पूरी करेक्ट टाइम से आ चुकी है, 8 बजे आ चुकी है। तो चलते हैं हर की तरफ और दिखाते हैं आपको सारा कुछ, कहाँ से आपको आर एफ डी कार्ड मिलना है। जैसे तो इधर से जाएंगे बाहर की तरफ हम अभी, और सभी प्यारे माँ के भक्तों को जय माता दी। आप पूरी वीडियो में बने रहना, इसी तरीके से मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। और ये है कुछ कटरा रेलवे स्टेशन का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये और ये प्लेटफॉर्म बन रहा नया, तो चलते आगे की तरफ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुकी है आरएफडी कार्ड की लाइन। मैं आपको एक ही सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ना लेके आप सीधे कटरा बस स्टैंड से अपना आरएफडी कार्ड लें। तो चलते हम भी अपने उधर के साइड चलते हैं कटरा बस स्टेशन पर, वहाँ से देंगे हम भी अपना आरएफडी कार्ड। तो जय माता दी। दोस्तों आ चुके हैं रेलवे स्टेशन से बाहर, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा और आपको टैक्सी वगैरह मिलने वाली है, तो क्या क्या प्राइस होने वाले हैं। तो इधर से आपको ऑटो वगैरह मिलने वाले हैं, दिखा दूँ उस साइड से आपको ऑटो मिल जाएंगे, इस सीधा सामने से आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे, और इधर आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी कटरा तक के लिए। अगर कटरा तक चाहिए आपको, जम्मू अगर आपको बाणगंगा तक चाहिए तो बाणगंगा तक भी आपको ऑटो वगैरह मिलने वाले हैं। यहाँ से उधर का भी एक यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है, अभी दिखा दूँ आपको, ये देख सकते हैं इधर बाहर करा जा रहा, दिखा दूँ आपको अधिकारी मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा सामने। और आपको यात्रा सिम चाहिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, अपने सोच समझ कर लें, वो भी आपको यात्रा सिम वगैरह लेनी है। आपको यहाँ पर जियो की BSNL वगैरह की आपको सिम मिल जाएंगी। और ये दोस्तों हम पहुँच चुके हैं फिलहाल कटरा चौक पर, लॉक रूम वगैरह चाहिए तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, जस्ट इसके अंदर आप जाना, सामने देखते हैं आपको लिख रहा होगा क्लॉक रूम, आपको अंदर मिल जाएंगे क्लॉक रूम वगैरह, दिखाता हूँ आपको अंदर चल के। अभी इधर देख सकते हैं आपको, इधर है क्लॉक रूम, इधर आपको मिल जाएंगे क्लॉक रूम, 30 रुपये 24 घंटे के आपको पड़ने वाले हैं। और टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे रात के 10 बजे तक आपको मिलने वाली है टाइमिंग है कि क्लॉक रूम की। तो चलते हैं बाहर की तरफ, अगर आपको दिखा दूँ इस साइड में आपको मिलने वाला है कटरा बस स्टैंड, आपको इधर मिल जाएगा। और तो आपको जो आरएफडी कार्ड मिलने वाला है वो भी आपको आगे से मिलने वाला है यहाँ से। और इधर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाएगा आपको यात्रा पर्ची जो होती है, आप आरएफडी कार्ड में कन्वर्ट हो चुकी है आरएफडी कार्ड में। टाइमिंग जो होती है इसकी दिखा दूँ आपको, ओपनिंग है इसकी देखते 5 सुबह 5 बजे खुल जाता है, क्लोजिंग रात में 10 बजे हो जाता है। ये आपको यात्रा पट्टी यहाँ से मिलने वाली है, यात्रा आरएफडी कार्ड जो आपको मिलने वाला है। और आपको 6 घंटे के अंदर अंदर आपको चेक पोस्ट पार करना पड़ेगा, अगर आपने चेक पोस्ट पार नहीं किया तो आपको दोबारा आरएफडी कार्ड लेना होगा, दे दिया जाएगा इधर आरएफडी कार्ड लेने के लिए। जय माता दी। और आपको यहाँ पर आरएफडी कार्ड लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, जरूर अपना आधार कार्ड जरूर लेके आए जब भी आप यात्रा पर। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे भीड़ नहीं मिलने वाली है, हमने भी अपना आरएफडी कार्ड ले लिया है। आपको कटरा में आपको तो जैसे आप इधर से बाहर निकलेंगे, आपको इधर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ निहार का भवन की तरफ, दिखा दो सामने निहार का भवन है।
इधर आपको दिखा दो, शिवखोड़ी वगैरह के लिए जाने के लिए आपको जम्मू तभी शिवखोड़ी जाने के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएंगी। ये आपको कटरा बस स्टैंड है पूरा, इधर है ये निहार का कॉम्प्लेक्स। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ इसके, आपको आपको कैंटीन वगैरह मिल जाएगी किलो को। इधर देख सकते हैं आपको अन्नपूर्णा भोजनालय मिल जाएगा आपको, इधर इंक्वायरी एंड रिजर्वेशन काउंटर आपको मिल जाएगा। अगर आपको भवन वगैरह पे करना है रूम वगैरह बुक तो आपको मिल जाएगा, अगर होगा तो इनके पास में आप इंक्वायरी कर सकते हैं यहाँ पे आकर। वैष्णवी वाटिका, इधर आपको कई सारे आपको दिखा रहे हैं डोमेट्री वगैरह आपको मिल जाएगी, शक्ति भवन है इधर में आपको। और हम चल रहे हैं अभी यात्रा की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये हमारा छोटू, जय माता दी। तो अभी हम यात्रा शुरू करेंगे, मैं आपको टाइमिंग बताऊंगा जब मैं यहाँ से यात्रा चालू करूँगा अभी कटरा चौक से। दोस्तों बने रहना, यात्रा मैं आपको पूरी कराने वाला हूँ माता वैष्णो देवी की। और ये कटरा चौक के सुंदर नज़ारे हैं इधर दिखा दूँगा आपको, और उधर माँ का भवन अर्धकुंवारी मंदिर। यहाँ से अगर आप ऑटो करना चाहें ऑटो मिल जाएगा आपको, 60 रुपये में मिलने वाला है यहाँ से ऑटो। फिलहाल 9:36 हो चुके हैं और हम अभी यात्रा शुरू कर रहे हैं अपनी। फिलहाल मैं पैदल जाऊँगा बाणगंगा तक, मैं ऑटो नहीं करूँगा यहाँ से। कुछ करते हैं यात्रा शुरू, जय माता दी। तो यात्रा आप पूरी ज़रूर देखना दोस्तों, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। और ये हमारी फौज है इधर, एक फौज हमारी आगे जा रही है और एक फौज हमारी पीछे आ रही है। देखते हैं कहाँ से यात्रा करने का मिलता है जाने के लिए। हिमकोटी मार्ग से जाएंगे या हाथीमत्था मार्ग से, अगर बारिश पड़ी तो वहाँ पे हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया जाता है। अगर हाथीमत्था मार्ग से भी गए तो यात्रा तो करनी है पूरी, तो यात्रा करके ही रहेंगे पूरी। माता अपने आप लेके जाएगी, जैसे हर बार लेके जाती है वैसे ही अब की बार भी लेके जाएगी। तो यहाँ पर आपको होटल वगैरह भी मिल जाते हैं साइड में आने के बाद। 200 रुपये गाड़ी, ये दिखा दो, इधर दिख सकते हो आप, इधर काफ़ी सारे आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे रास्ते में। ये जा रहा है आप भवन की तरफ जा रहे हैं, हम चुनरी बांध रखी है। जय माता दी, इधर देख सकते हैं आप, ये है पूरा दृश्य ट्रैक का माता रानी की यात्रा का। तो चलते हैं आगे, देख सकते हैं सभी पैदल जा रहे हैं। दोस्तों हमने ना तो कमरा लिया है और ना ही हमने लोकल रूम में अपना सामान जमा किया है, तो हम जाएंगे सीधे बाणगंगा पर स्नान करेंगे और अपना पूरा बैग लेके जाएंगे। ज़्यादा सामान तो है नहीं हमारे बैग में, दो दो जोड़ी कपड़े हैं सिर्फ, होगा 5 से 6 किलो वजन, तो इसे लेके हम चलेंगे। जय माता दी। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो आप अपना कुछ बैग जहाँ पे मैंने आपको लोगो रूम दिखाए थे वहीं पर अपना जमा कर सकते हैं। तो जय माता दी सभी प्यारे हिंदू के भक्तों को, माँ आप सबको भी अपने दरबार में जल्दी जल्दी बुलाए, बुलावा भेजे माँ। जय माँ दादी, आप सबकी मनोकामना पूरी करें माँ। इधर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर आपको दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पर, चुन्नी वगैरह आपको लेने चुन्नी वगैरह ले सकते हैं, माँ का चोला देख सकते हैं आप। और हम पहुँचने वाले हैं चेक पोस्ट पर, नीचे चेक पोस्ट है तो फिलहाल अभी हम घूम के आएंगे। आप भीड़ काफ़ी है, देखो अच्छी ना होगी एक पैसा नहीं। फिलहाल पहुँच चुके हैं क्रेस्टिंग पॉइंट पर, दिखा दूँ आपको फ्रंट के, देख सकते हैं यहाँ पर डबल डबल लाइन चल रही है और काफ़ी भीड़ भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप RFID कार्ड जरूर लेकर आएँ, क्योंकि बगैर आप RFID कार्ड के आपको यहाँ से क्रेस्टिंग पॉइंट से पार नहीं होने दिया जाएगा। जय माता दी, नहीं तो फिर आपको यहाँ से दोबारा आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा, वहाँ से RFID कार्ड लाना पड़ेगा। तो आप RFID कार्ड याद करके लेके आए जरूर, जिससे पहले लोग यात्रा पर्ची भी पहुँचते थे, पहले यात्रा पर्ची मिलती थी। जय माता दी, करते हैं हम भी चेक पोस्ट पार, फिर मिलते हैं आपको। चेक पोस्ट पार कर चुके हैं और अपनी यात्रा चालू करते हैं हम। दादू भीड़ दिखा दूँ, इस तरीके से आपको भीड़ मिलने वाली है अभी के टाइम में भी, काफ़ी भीड़ है अभी दिखा दूँ। ये देख सकते हैं माँ के प्यारे प्यारे भक्तों की भीड़, और आगे मैं आपको दिखाऊँ पूरी जानकारी मिलने इस तरीके से आपको भीड़ मिलने वाली है माता वैष्णो देवी यात्रा पर। और इधर से आपको ये वोकर वगैरह मिल जाते हैं ऊपर तक के लिए, दिखा दूँ भवन के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं, भवन तक का प्राइस होते हैं भाई। भवन तक लेके जाते हो आप ये? हाँ, क्या क्या प्राइस होते हैं इनके, प्राइस बता दोगे? 540
कि आध कुंवारी तक आपको 340 रुपए मिल जाएंगे और भवन तक 540 मिलने वाले हैं। यहाँ पर पर्ची कट के भाई, पर्ची कट के मिल जाएंगी। और भाई हमारे मिलने वाले हैं, भाई के पास में आपको मिलने वाले सारे, इधर दिखा दो इस तरीके से। और 5 साल तक के बच्चों के लिए आपको मिल जाएंगे बीए के बाद में वो, पर बे घोड़े को 1250 रुपये यहाँ से आपको भवन तक के लिए आपको घोड़ा मिल जाएगा। यहाँ से आपको दिखा दूँ वो भी आपको, जब भी आप किसी घोड़े वगैरह में या वोकर वगैरह भेज रहे तो उनकी आईडी अपनी पहले ले लें, जो भी लेकर जाएंगे घोड़े को उनकी आईडी पहले ले लें आप। और पालकी के मेरे ख्याल से 3400 या 3500 रुपये करीब होंगे पालकी को। सबसे पहले आपको दिखा दूँ आप, सबसे पहले आप दर्शन कर सकते हैं माँ शेरा वाली भी, बजरंग बली बाबा की जय माता दी। इधर दिखा दूँ, इधर आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिलने वाला है। ये रिक्शे लंगर का रास्ता आगे से है, लंगर चल रहा है गुलशन कुमार जी का, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं आगे की तरफ, यात्रा करते हैं अपनी पूरी। तो जय माता दी। और यहाँ से ना आप न्यू ताराकोट मार्ग की तरफ जा सकते हैं, इधर से आपको न्यू ताराकोट मार्ग की तरफ के लिए रास्ता मिल जाएगा। ये रास्ता जाता है सीधा ताराकोट मार्ग की तरफ, नीचे यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे घोड़े वगैरह। और हम जाएंगे इस रास्ते से पुराने वाले से। भीड़ की बात करें तो काफ़ी भीड़ है अब भी माता वैष्णो देवी ट्रैक पर। और यहाँ से आपको मिलने वाली है पालकी, पिट्ठू, और इधर प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से ही आप बुकिंग करें जब भी आप बुकिंग करें। और जो आपके साथ में घोड़े हैं पिट्ठू और पालकी वाले जाएंगे उनका कार्ड जरूर ले लें। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। जय माता दी। और हो सके तो यात्रा के दौरान कम से कम खाना अवॉइड करें, जितना हो सके आप लिक्विड का इस्तेमाल करें ताकि यात्रा करने में आपको आसानी हो। जगह जगह रुक रुक के कोल्ड ड्रिंक वगैरह, मैंगो फ्रूटी वगैरह होती है उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो ये आप देख ही सकते हैं पूरा यात्रा ट्रैक, माता रानी की यात्रा ट्रैक पूरा भर के चल रहा है स्टंप पर। और पैदल यात्रा के लिए ये मार्ग है और घोड़े के लिए वो वाला मार्ग है। तो इस रास्ते को अवॉइड करें ताकि आपका कोई दुर्घटना ना हो सके आपके साथ। काफ़ी टाइम पर घोड़े वगैरह ये पैर वैर दब जाता है, एक बार मेरा खुद दब गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हो सके प्यार से चले, सांस ले लेके। और ये देख सकते हैं काफी सुंदर दृश्य, इधर सामने गणपति महाराज जी हैं, ये देख सकते हैं। जय माता दी। और फिलहाल हमने भी डंडा ले लिया है यात्रा के लिए, ये देख सकते हैं 20 रुपए पर डंडा मिल जाएगा आपको। और वापसी करने में आपको 30 रुपए आपको मिल जाएंगे। अगर यहीं पे आप दुकान पे करोगे वापसी, हाँ तो ये दुकान लेने वाली है। ये है माता वैष्णो देवी का ट्रैक। यात्रा के दौरान आपके लिए काम बहुत आएंगे डंडा जो हमने लिया है यात्रा के लिए। तो दोस्तों आप यात्रा करने के दौरान डंडा जरूर लिए, सब यात्री डंडा लेके जाते हैं क्योंकि आगे आपको काफ़ी गर्मी मिलने वाली है। तो फिलहाल तो हमने भी ले लिया डंडा, हम भी करते हैं माता वैष्णो देवी यात्रा को स्टार्ट। और हम डंडे के सहारे से बनाएंगे स्पीड, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सहारा मिल जाता है। दिखा है हमारा हिमांशु आगे आगे चल रहा है, फिलहाल पहुँच चुके हैं बाणगंगा पर। ये दिखा दूँ आपको बाणगंगा घाट, इधर दिखा देता हूँ आपको। जल तो फिलहाल इधर कमी है, बाणगंगा भी दिखा दूँ। और फिलहाल ये है प्राचीन बाणगंगा मंदिर, दर्शन कर सकते हैं आप यहाँ पर माता रानी के, माँ शेरावाली के, अष्टभुजा वाली माँ के। जय माता दी। तो चलते हैं आगे की तरफ यात्रा के लिए, घोड़े से बचकर रहें जब भी यात्रा करें, घोड़े से बचकर करें। और गर्मी में जितना हो सके आप सीढ़ियाँ अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर हार्ट बीट बढ़ेगी और सांस भी खुलेगा। जिनको हार्ट की बीमारी है उनको बिल्कुल भी जीने का प्रयोग ना करें। चल रहे हैं हम भी माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए। ये देखते हैं मिल जाएगी इस सीढ़ी को, तो बिल्कुल भी ना पकड़े, सबसे लंबी सीढ़ी यही है यात्रा पर मार्ग की। इस तरीके से आपको मनोरंजन होता चला जाएगा जैसे आप यात्रा करते चले जाएंगे माता वैष्णो देवी की। कुछ माँ के प्यारे प्यारे भक्त, जय माता दी।
फिलहाल पहुंच चुके हैं हम बातिंग घाट पर, बाणगंगा के। दिखा दूँ आपको, ये गीता मंदिर का बातिंग घाट है, तो यहाँ पर नहाएंगे हम। नीचे तो जल कम था, ये दिखा दूँ आपको, वो देख सकते हैं आप। अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ पर जल कितना मिलने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलने वाला है बातिंग घाट में नहाने के लिए जल। और यहाँ पर ही मजा आएगा, दिखा दूँ इस तरीके से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, अभी गर्मी नहा रहे हैं, दिखा दूँ आपको। और दोस्तों फिलहाल हम भी यहाँ पर स्नान करेंगे बातिंग घाट में, स्नान करके जब माता वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा स्टार्ट करेंगे। जय माँ। फिलहाल दोस्तों पहुँच चुके हैं चरण पादुका मंदिर, अभी दर्शन कराता हूँ मैं आपको। यह है चरण पादुका मंदिर, देख सकते हैं आप, दर्शन कर सकते हैं आप चरण पादुका मंदिर के। वही पवित्र स्थान है जहाँ पर माता ने भैरव को पीछे मुड़ के देखा था, और इसी जगह पर माता के चरण के निशान रह गए थे। आज इसी स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। एक मंदिर आपको इधर मिल जाएगा भोले बाबा जी का, जय माता दी। ऊपर देख सकते हैं आप, मौसम शायद ऊपर खराब है, घटा हो चुकी है। रिश्ते के साथ आपको मसाजर वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पर, दिखा दो। जय माता दी। फिलहाल जो गर्मी है बिल्कुल सड़ी वाली गर्मी पड़ रही है, जिसे बोलते हैं अभी जैसी हमारे दिल्ली में चुप चुपी और उमस भरी गर्मी हो रही है अभी फिलहाल, वैसी गर्मी यहाँ पे भी है। पहाड़ों में दिखा दूँ आपको, ऊपर देख सकते हैं मौसम बिगड़ चुका है फिलहाल, तो ऊपर जाके पता चलेगा। अभी तो कोई बारिश बारिश है नहीं। काफ़ी मेहनत लगती है, एक तो पालकी का वजन, ऊपर से जो यात्री है उसका यात्रा पूरी करेंगे, यात्रा पर बने रहें। जय माता। दो रास्ते कट जाएंगे, एक तो आप मेरे पीछे वाला देख सकते हैं, यहाँ पर हिमकोटी मार्ग की तरफ जाएगा, पर दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये हिमकोटी मार्ग भवन की तरफ जाएगा, और इधर से आप आती मत्था मार्ग की तरफ जाएंगे। लेकिन आप इधर इस रास्ते से भी जा सकते हैं इस वाले मार्ग पर, और इधर से ही आपको बैटरी कार की सुविधा भी मिल जाती है आगे जाके। तो हम चलेंगे इधर, हम जाएंगे इधर से पहले अतकुआरी पर माथा टेक कर, जब उधर से जाएंगे हम ऊपर की तरफ दर्शन के लिए। तो जय माता दी, जय माता दी करते रहिए और चढ़ते रहिए जय माता दी बोलकर। और इस टाइम गर्मी काफ़ी है, बारिश बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है, आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे भी कितना पसीना है। फिलहाल दो बज चुके हैं, गर्मी होने के कारण हम आराम आराम से चढ़े हैं, और इधर से भी आपको घोड़े वगैरह की सुविधा मिल जाएगी भवन तक। और ये हमारा हिमांशु है, हेरा बोल सच्चे दरबार की। लोग यहाँ पे ऐसे भी घूम रहे हैं जो कि आपसे मदद के नाम पे पैसे वैसे मांगते हैं, फिर कौन से बच के रहे वो आपको लूट भी सकते हैं। तो जय माता जी, मैंने कई बार सुना है यहाँ पर, दो तीन जने मुझे भी मिले थे लेकिन मैंने उन्हें दिखाया नहीं। देख सकते हैं आप कटरा का व्यू, पूरा कटरा जैसे आपको चल रहा होगा।
ये है आपका सेल्फी पॉइंट, और ऊपर देख सकते हैं आप मौसम किस तरीके से बिगड़ चुका है। और ये है हिमांशु, अभी इधर आपको वेटिंग हॉल मिल जाएगा विश्राम करने के लिए स्थान, और इधर शौचालय वगैरह भी मिल जाएगा आपको। अगर आपको डिस्पेंसरी वगैरह मिल जाएगी तो हम पहुंचने वाले हैं अतवारी, 2 मिनट लगेगी हमें अतवारी पहुंचने में। जय माता दी। ये सामने डिस्पेंसरी अतवारी की, अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप यहाँ से दवाई वगैरह ले सकते हैं निःशुल्क। इधर आपको ये होटल वगैरह मिल जाएंगे सारे, रेस्टोरेंट सागर अपना मिल जाएगा आपको, इससे काफ़ी सारे भोजनालय मिल जाएंगे। इधर आपको अतवारी भोजनालय मिल जाएगा, मेनू आप देख सकते हैं सामने ऊपर। लाल पहुंच चुके हैं अतवारी भवन पर, अभी आगे चल के दिखाता हूँ आप, और मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। अगर आप इस वाले रास्ते से ना जाएं, ये हाथी मत्था मार्ग की तरफ जाता है रास्ता, इसके बजाय आप हेमकोटी मार्ग की तरफ से जाएं। इधर से आपको दिखा देता हूँ मैं, ये है अतवारी भवन, उधर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये अतवारी भवन इधर आपको दिखा दो, ये है अतवारी भवन के दर्शन कर सकते हैं आप। जय माता दी सभी को। इधर देख सकते हैं अभी नंबर चल रहा है, इधर में ग्रुप नंबर चल रहा है अभी 570, और यहाँ पर वेटिंग जो चल रही है 2 दिन की कम से कम वेटिंग चल रही है यहाँ पर। ये दर्शन कर सकते हैं आप अतवारी भवन के, इधर से आपकी गर्भजून गुफा की एंट्री होती है। जय माता दी। और इधर से जाएंगे भवन की तरफ, बहुत ही सुंदर व्यू। जय माता दी। ये आपको आसान रास्ता पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप भीड़, लोग बाग यहीं पे आराम कर रहे हैं। ये जा रहा है हिमकोटी मार्ग की तरफ से, हम जा रहे हैं अब भवन की तरफ। जय माता दी। इधर से जाएंगे हम, देख सकते हैं भवन जाने का रास्ता। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, 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 जय माता दी। और जहाँ पर पत्थर गिरने की संभावना है कृपया वहां पर ना बैठे, चलते रहे। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, फिर भी लोग यहाँ पर काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ बैठने की कोशिश ना करें। ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ से भी पत्थर ही गिरा हुआ है, तो चलते रहे। ऊपर दिखा दो आपको इस तरीके से, आप खड़े ना हो यहाँ पर बिल्कुल भी, चलते रहे बैठे भी ना यहाँ पर। तो हिमकोटी मार्ग खुला है और हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रुके ना ज़्यादा देर तक रहें। जय माता दी। देख सकते हैं आप इधर भी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ तुमने तो चलते रहे हैं आप, जहाँ पर आपको कुर्सी दिखाई दे बैठी हुई रखी वहाँ बैठ सकते हैं आप। कल दोस्तों पहुँच चुके हैं डोसा पॉइंट, इधर डोसा पॉइंट, इधर आपको भोजनालय मिल जाएगा सामने इस साइड में, हिमकोटी भोजनालय। और दोस्तों ऐसी जगह पर आप ना रुके, देख सकते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है पत्थर गिरने की आशंका है, यहाँ ना रुके, कृपया तेज चले। तो जय माता दी।
अब थोड़ी दूर और हट चुका है भवन। तो दोस्तों आपको दिखाऊंगा आगे चलकर माँ के भवन पर किस तरीके की भीड़ है। लाल आरती का टाइम हो चुका है, पौने छः हो चुके हैं। हमारा हिमांस ये भी अब थक गया हिमांस, अभी थका नहीं है, पावर मच रही है लौटने के अंदर। अभी पतला शरीर है इसी वजह से चल जाता है। मेरे पास बैग भी है, थोड़ी सी से हो जाती है, 5-6 किलो बजाने कम से कम बैग में भी। इधर आप देख सकते हैं, इधर से आप भवन के दर्शन कर सकते हैं। जय माता दी सभी प्यारे माँ के भक्तों को। तो चलते हैं आगे की तरफ, चलते हैं। पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं आपका फुल चेक पोस्ट आ चुका है भवन का। और अब चलते हैं इधर से, ये पहुँच चुके हैं बाहर और ये आ चुका है पार्वती भवन। इधर आप ये पार्वती भवन दिखा दो आपको, इधर आपको सामान रखने के लोकर वगैरह इधर ही अवेलेबल होने वाला है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लिख रहा है लोकर अवेलेबल हेयर। इधर आपको सुविधा भी मिलने वाली है काफ़ी सारी, दिखा दी। फर्स्ट फ्लोर का लोकर है और ग्राउंड फ्लोर का टॉप पेंट है लोकर। वॉशरूम टॉयलेट ऊपर है सेकंड फ्लोर पर लेडीज का और जेंट्स है थर्ड फ्लोर। तो ये है, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। और इधर फिलहाल दिखाता हूँ जय माता दी। उधर ये भेंट प्रसाद आपको मिल जाएगा, इधर भेंट शॉप है। इधर प्रसाद के रेट लिखे हुए हैं, दिखा दूँ आपको। विद नारियल 100 रुपये और विदाउट नारियल 50 रुपये। तो चलते हैं आगे की तरफ। मौसम तो आप मौसम देख सकते हैं भवन के पास का, और भवन से आपको मिल जाएगी रूपवे की सुविधा। प्रति मेंबर आपको 100 रुपये प्राइस होने वाला है, अप और डाउन का प्राइस होता है इसमें 100 रुपये का। तो आप भैरव बाबा दर्शन के लिए रूपवे से भी जा सकते हैं। देख सकते हैं चल चुका है, एक बार में 40 से 50 आदमी इसके अंदर जाते हैं और सीधा आपको भैरव बाबा के मंदिर के बिल्कुल ही पास छोड़ेंगे आपको ये। तो देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ से सुविधा मिल जाती है। आप देखते हैं मेंबर कितने हैं इसके अंदर में। तो जय माता दी, आप देख सकते हैं एक उधर से आता है और एक उधर से जाता है। वो इधर देख सकते हैं आप बैटरी कार के लिए रजिस्ट्रेशन आगे होगा, इधर आपको जाना पड़ेगा बैटरी कार रजिस्ट्रेशन के लिए। लाइन लगी हुई है इसके अंदर में बैटरी कार रजिस्ट्रेशन के लिए है, यात्री की सुविधा के लिए। दिखा दें साइड में लगी हुई है बैटरी कार लाइन। और हम आ चुके हैं, ये आ चुके हैं हम मनोकामना भवन भोजनालय। डोमेट्री आपको इसके अंदर मिलने वाली है। टाइमिंग की बात करूँ तो 10 बजे से 3 PM तक रहता है ये अवेलेबल। शॉर्ट स्टे अवेलेबल है इधर, और इसके अंदर को कैंटीन वगैरह मिलने वाली है। ये देख सकते हैं आप भवन के पास बिल्कुल पहुँच चुके हैं हम। ऊपर की बात करें तो मौसम तो कुछ अब, इधर आपको एक भेंट शॉप इधर भी मिल जाएगी आपको, आपको ये मिल जाएगा भेंट प्रसाद। यहाँ भी देखते हैं सेम ही रेट है प्राइस जो है। तो मैं आपको आगे के दर्शन कराता हूँ, उसके बाद हम नहा धोकर दर्शन करेंगे माता रानी के। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो पीछे मुझे लोगों को चेक करके आऊँगा पहले मैं आगे, नहीं तो पीछे जमा करने पड़ेंगे। उसके बाद तो फ़ोन लेके जा नहीं सकता मैं आगे, तो चलता हूँ आगे दर्शन कराता हूँ आपको पहले। ये इधर भवन है माता रानी का। फिलहाल सारी थकावट दूर हो चुकी है भवन पर पहुँच कर। फिलहाल मैं लोकेशन देखने जाऊँगा कि लोकेशन भरे या नहीं है, और लाइन भी आपको दिखा दूँगा कितनी लाइन लगी हुई है। तो देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। आरती का टाइम हो चुका है, ये देखते हैं स्काई वॉल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अभी थोड़ी देर में लाइन बंद होने वाली है, दिखा दूँ ये।
तो चलते हैं आगे, मैं आपको दिखा के लाता हूँ अभी। ये इसका एक बाल यहाँ तक है, आगे दिखाता हूँ मैं। लोकल रूम होंगे तो मैं यहीं पे आऊँगा फिर सारा अपना कपड़ा वगैरह लेकर। अभी देखता हूँ मैं नीचे जाकर लोकल रूम है या नहीं है यहाँ पे। जय माता दी। फिलहाल इधर भी जो नीचे लोकल रूम पिछली बार बंद था वो चालू है फिलहाल। और रोपवे की टिकट आपको इधर से मिलने वाली है, दिखा दूँ। पहले पीछे था, अब यहाँ आ चुका है रोपवे काउंटर, ये देख सकते हैं। यहाँ से आपको टिकट दी जाएगी भैरव बाबा जाने के लिए, परिवार के सभी सदस्य के साथ लेकर कतार में आए। और ये है माता रानी का भवन, वहाँ पर स्नान घाट है। तो जय माता दी सभी प्यारे माँ के भक्तों को। ये है इधर दुर्गा भवन, और इधर आपको देख सकते हैं दुर्गा भवन इधर है। चलते हैं आगे की तरफ, और इधर आपको दिखाता हूँ अभी ईद का आरती और हेलीकॉप्टर की आपको बुकिंग मिल जाएगी। तो चलते हैं आगे नीचे की तरफ आपको लेके। हम फिलहाल नागू महादेव के दर्शन के लिए, फिलहाल आरती का टाइम हो चुका है कुछ। फिलहाल तो हमने भी दर्शन कर लिए हैं माता रानी के, तो हम चल रहे अपने भैरव बाबा की तरफ अपनी यात्रा को सफल बनाने के लिए। तो अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें ताकि यात्रा आपकी सफल हो सके। हम जा रहे हैं भैरव बाबा यात्रा के लिए, तो हम चल रहे हैं आराम आराम से क्योंकि रात हो चुकी है, भीड़ काफ़ी थी जब हम गए थे। आरती के लिए लाइन लग चुकी थी, तो इसी वजह से हमने 7 बजे नहा धोकर लोकल रूम की लाइन में लगे, तो वहाँ पे हमें नहीं मिली लोकल रूम की चाबी। ये है रात के दर्शन माता वैष्णो देवी भवन के। जय माता दी। दोस्तों अब हम चल चुके हैं भैरवनाथ वाली, भैरवनाथ बाबा की खड़ी चढ़ाई पर। देख सकते हैं आप काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हम आगे चल के सीढ़ियाँ मारेंगे, सीढ़ियाँ सजाएंगे भैरव बाबा दर्शन के लिए। वो थोड़ा कठिन जरूर पड़ेगा, लेकिन 2-3 बार में सीढ़ी क्लियर और भैरव बाबा के मंदिर में पहुँच जाएंगे। जय माता दी। काफ़ी खड़ी चढ़ाई है भैरव बाबा की, देख सकते हैं आप। हमारे जम्मू रे आगे चलने दो। चलो सिटी से चल रहे, चलो चलो। 2-3 बार की मेहनत लगेगी बस पार है मामला। तो हम चल चुके हैं अब सिटी पे। जय भैरव बाबा, जय। चुके हैं भैरव वाटी, जैसे आप भेंट प्रसाद देखते हैं इधर भेंट सौ पे, यहाँ से जा सकते हैं आप भैरव बाबा दर्शन। तो फिलहाल हम भी अपना प्रसाद ले लेते हैं और अपनी यात्रा को सफल बनाते हैं। आप सकते हैं सीढ़ी चढ़ के आए, काफ़ी पसीना आ चुका है। तो जय माता दी सभी को। मिलते हैं आपको सीधे भैरव बाबा के मंदिर के पास। बने रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियो में, मैं आपको पूरी यात्रा कराने वाला हूँ, नीचे तक भी आपको लेके जाऊँगा पूरा वापसी में। तो बने रहना, जय माता। अब लेके चल रहा हूँ मैं, ये देख सकते हैं इधर भैरव वाटी पर आपको श्री भैरव रंगा मिल जाएगा, जो कि फिलहाल बन रहे हैं अभी। तो इधर ये है, काफ़ी दूर है। जय माता दी। इधर आप भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। जय बाबा की। सभी प्यारे बाबा के भक्तों को, दोस्तों फिलहाल हम भी दर्शन कर लेते हैं भैरव बाबा और अपनी आंखों को बनाते हैं सफल। मिलते हैं आपको दर्शन करने के। जय माता। सुंदर दृश्य भैरव वाटी के। जय माता दी।
फिलहाल पहुंच चुके हैं अधिकारी मंदिर, रात के बज चुके हैं 3। और ये देख सकते हैं आप अधिकारी का रात के समय का 3 बजे का।